प्रॉब्लम 37 में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये रेस्ट से फॉल करना शुरू करता है और वर्टिकली डिस्टेंस एच कवर कर रहा है, यूनिफॉर्म वर्टिकल फील्ड जो कि अपवर्ड डायरेक्शन की है। मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि एक रीजन बना लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से अपवर्ड है तो यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव। अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो डाउनवर्ड वो एक्सेलरेट होगा, ठीक है, ये फर्स्ट केस समझाया गया है। फिर कहता है डायरेक्शन को हमने बदल दिया है और प्रोटॉन को ला दिया है अब, तो इस तरह से सेकंड केस बन जाएगा, केस नंबर टू। अब यहाँ हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ हो जाएगा बच्चों पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाउनवर्ड आएगी और इसकी वजह से अब एक प्रोटॉन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना शुरू होगा। अगर दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस तक आते हैं, ठीक है, अलाउड टू फॉल थ्रू द सेम वर्टिकल डिस्टेंस h, तो फॉर्मूला है अपने पास डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसकी जगह आ जाएगा h, ये हटा दीजिए 1/2 एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का सभी को पता होता है, छोटा e लिखेंगे बड़ा e लिखेंगे ई डिवाइड बाय m और यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर। इससे अपन को मिल रहा है कि जो टाइम का स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2hm डिवाइड बाय स्मॉल e और कैपिटल e, ठीक है। अब क्वेश्चन पूरा रीड कर लेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, या ऐसा लिख सकते हैं कि t इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मास, ठीक है। फिर अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ये तो वेरी करता है, ऐसा लिखते हैं ना अपन लोग मास ऑफ प्रोटॉन बराबर 1836 टाइम्स, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसको यहाँ पे रख देते हैं, जरूरत नहीं है इसकी। अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास है वो कम होगा किसके, प्रोटॉन के मास से, तो जो टाइम होगा इलेक्ट्रॉन का वो भी क्या होगा, कम होगा, टाइम ऑफ प्रोटॉन मतलब स्मॉलर टाइम होगा, ठीक है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है और अगर पहले ही ये क्वेश्चन लगा चुके हैं अपन तो ये तो पता होता है अपन को कि टाइम प्रोपोर्शन होगा रूट ऑफ एम के, ठीक है। ऑप्शन 4 है इसका। आइए आगे बढ़ते हैं।